एवरीवन, तो अभी मैं हूँ चाइना टाउन में और एक पास में ही हॉकर स्ट्रीट है, बहुत अच्छी हॉकर स्ट्रीट है, तो मैं वो चेक करने जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि सिंगापुर की हॉकर स्ट्रीट रहती कैसी है। अभी 10 बज रहे हैं, सुबह है अभी, यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है आज। अगर आप सिंगापुर में हो तो हॉकर स्ट्रीट ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सस्ता खाना मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू रेस्टोरेंट। वहाँ पर आपको $1 में भी खाना मिल जाएगा हॉकर स्ट्रीट पर, इसलिए मैं आपको पूरा हॉकर स्ट्रीट का बताता हूँ आज। मेरी होटल से 5 मिनट का रास्ता है बस हॉकर स्ट्रीट का। मेरे होटल स्टाफ ने सजेस्ट किया था मुझे कि एक स्ट्रीट है मैक्सवेल रोड पे, तो वहाँ आप जाके ट्राई करो हॉकर फूड, काफ़ी सस्ता है। वो बोल रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा खाना खाने को, $15-20 देने की ज़रूरत नहीं है रेस्टोरेंट में। तो मैंने कहा सही है, जाके पता करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि कैसी क्या हॉकर स्ट्रीट है ये। बट एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है। इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाओ आप या लिटिल इंडिया में चले जाओ, वहाँ ईजिली मिल जाएगा आपको इंडियन फूड। बट ये कई बार हॉकर स्ट्रीट पर बिल्कुल आपको इंडियन फूड नहीं मिलता है। मैं 2 हॉकर स्ट्रीट को ऑलरेडी घूम चुका हूँ, वहाँ पर मुझे इंडियन फूड नहीं मिला था भाई। वेजिटेरियन बिल्कुल 1% अवेलेबल रहता है, तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। एक तो कुछ डिशेस के नाम ऐसे रहते हैं और फिर वो बाद में नॉन वेजिटेरियन रहती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। हॉकर स्ट्रीट पे आ गया हूँ मैं, ये मेरे बाजू पूरी हॉकर स्ट्रीट है, ये है ट्रस्ट टुगेदर है। वन वाटरमेलन जूस विद लेस आइस, थैंक यू। यहाँ पे ये लोग ऐसे पन्नी लगा के दे देते हैं, लाइक दिस यू कैन कैरी एनीवेयर। ले लिया भाई मैंने जूस, $2.50 का पड़ा मुझे ये। भाई ये स्ट्रीट मुझे सही लगी, यहाँ पे चाय नाश्ता भी मिल जाएगा, सुबह जल्दी खुल जाती है स्ट्रीट। यहाँ पे आपको अदरक चाय, इलायची चाय और जिंजर चाय भी मिल रही है, साथ में आपको ब्रेड भी मिल जाएगी, तो काफी अच्छा। अगर आप मॉर्निंग में चाय नाश्ता करना चाह रहे हो तो आ सकते हो इस स्ट्रीट पे। ये स्ट्रीट चाइना टाउन में है, अगर आप चाइना टाउन में हो तो आप यहाँ पे पैदल ही आ सकते हो। मतलब हॉकर स्ट्रीट का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपको 20-30 रुपए में भी यहाँ पे खाना मिल जाता है। मेरे पीछे कुछ हॉकर्स हैं जो आपको 40-50 सेंट्स में भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काफ़ी सही है। मतलब बजट में अगर खाना खाना चाह रहे हो तो हॉकर सेंटर आ जाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे काफ़ी फेस करना पड़ रहा है। जूस पी के काम चला लेता हूँ मैं। मेरी सिंगापुर वाली फ्रेंड ने मुझे कुछ बेस्ट यहाँ पर डिशेस ट्राई करने को कहा था, तो सोचा कि ये डिशेस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये सभी डिशेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है सिंगापुर में, एंड ये साथ ही साथ ये सभी डिशेस आपको हॉकर सेंटर में देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे 1 by 1 बता देता हूँ कि कौन सी है वो top 10 डिश जो आपको सिंगापुर में ट्राई करना चाहिए। तो number 1 पे है लश्क, एंड ये है काया टोस्ट जो कि सिंगापुर का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, तो यार इसको तो जरूर ट्राई करना। एंड ये है चारक्वेट वे जो कि सिंगापुर ओरिजिनेटेड है, फ्राइड कैरेट केक, नासी बिरयानी, एंड उन्होंने मुझे कुछ डिजर्ट भी रिकमेंड किए थे। एंड ये है चेंग टेंग जो कि सिंगापुर का डेजर्ट है। एंड नेक्स्ट डिश है गाइस चेंडेल एंड डिमसम। एंड भाई यहाँ पे कॉफी एंड बबल टी भाई बहुत पॉपुलर है, तो ये दोनों चीज ट्राई करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस अगर आप सिंगापुर आ रहे हो और अपनी ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हो तो भाई ये डिशेस को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि काफी अच्छी ये डिशेस हैं जो कि आपको सिंगापुर में ट्राई करनी ही करनी चाहिए। एंड यार ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये डिशेस। भाई ये स्ट्रीट के पास सब कुछ है, ये मेरे पीछे है मेट्रो स्टेशन,
और यहाँ बाजू में आप अगर सामने देखोगे तो वो है बस स्टैंड। तो यहाँ पे आप मेट्रो से भी आ सकते हो और बस से भी आ सकते हो। ये मेट्रो स्टेशन का नाम है टेलेकेयर। अगर आप सही से ढूंढोगे खाने को तो काफ़ी सस्ते रेट में भी आपको खाना मिल जाएगा यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सर्च करें गूगल पे या फिर मेरी वीडियोस देखते रहें। आप गूगल पे सर्च करके आ सकते हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रीट है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो जस्ट लिंक पे जाइए और आ जाइए यहाँ पे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो सिंगापुर में हॉकर सेंटर को लेकर, जहाँ पे आपको चीपेस्ट फूड मिल जाता है। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।